After Shikhar Dhawan, Vijay Shankar is ruled out from Cricket World Cup 2019 and हम इंडिया की बात करेंगे कि यार ये इस वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है. लगातार दो इंजरी और जिसमें शिखर धवन की इंजरी जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान था और उसकी भरपाई हम देख रहे हैं कि आज तक नहीं हो पाई है. केएल राहुल वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो शिखर धवन दे सकते थे. तो अब विजय शंकर इंजर्ड हैं और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को बुला लिया गया है. तो जब आपका एक ओपनर इंजर्ड होता है तो आप बुलाते हैं नंबर चार का बैट्समैन, और जब आपका नंबर चार का एक बैट्समैन आपके हिसाब से जब आप नंबर चार पर उसको खिलाया वो इंजर्ड हुआ तो आपने बुलाया मयंक अग्रवाल को, यानी ओपनिंग बैट्समैन जो इंडिया की शायद मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की सोच में भी नहीं, थिंक में भी नहीं होगा कि हमें मयंक अग्रवाल को बुलाना पड़ेगा. आप अजिंक्य रहाणे को बुला सकते थे, राइडू को आपने जिस कारण से बाहर किया, नंबर चार के बैट्समैन को रिप्लेस आप कर सकते थे बाय राइडू. तो विजय शंकर अगर इंजर्ड है आप राइडू को भी बुला सकते थे. मैं ये नहीं कह रहा कि मयंक अगर परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका, मैं वापस वही बोलूँगा, जब ओपनर इंजर्ड हुआ तो आपने नंबर चार बुलाया कि हमारे पास हीटर नहीं है हम मीटर खेलेंगे, तो आपने ऋषभ पंत को डाल लिया. उसके बाद जब आपका नंबर चार का बैट्समैन अब इंजर्ड, तो नंबर चार का बैट्समैन आपका इंजर्ड हो गया है तो आपने बुला लिया ओपनर. तो यार ये जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की ये कुछ समझ में नहीं आ रही. तो एक और बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए कि विजय शंकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और मयंक अग्रवाल को कॉल दी गई है वापस. तो अब देखते हैं कि मयंक अग्रवाल खेलते हैं या नहीं, और अगर खेलेंगे तो एज अ ओपनर खेलेंगे या नंबर चार पे खेलेंगे. तो अब हमें देखना होगा कि मयंक अग्रवाल को जो रिप्लेस करे हैं तो वो क्या खेलेंगे या नहीं, या मयंक अग्रवाल को बाहर ही बैठना पड़ेगा. तो बस यार आज के लिए इतना ही. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं कि ये डिसीजन सही लिया इंडियन ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने या नहीं. कमेंट ज़रूर करें एंड जो फिट है वो हिट है.